नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, या अली, नारे हैदरी या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जरा मोबाइल करो भाई, मोबाइल करो, जरा पीछा हो भाई। नारे तकबीर सबके आका सरकार हुजूर सैयदी व सनदी हजरत सूफी सैयद फखरुद्दीन अली शाह कादरी अल मारूफ काले पीराम को सरकार सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई हजरत सूफी ख्वाजा फखरुद्दीन अली शाह कादरी मदरसुल्लाह नूरानी बारगाह में इस नाकिब के कदम जज़बान वजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहु नबीय्युल अमीन व हकीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाहें पीर में वो तासीर देखी, निगाहें पीर में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, कुरान मुकद्दस का ऐलान, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद किया करूँगा। तो ये कुरान मुकद्दस के जो ऐलान है, तुम मुझे याद करो, तो हज़रत बाबा फखरुद्दीन शाह कादरी ने सारी जिंदगी अपने रब को याद किया। सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी अपने रब को याद किया, तो रब्बे कायनात ने महफिल में उनका जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो हजरत की जिंदगी पूरे आईने की तरह साफ है। हजरत का पूरा नाम है नामी इसमें ग्रामी पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयदी व मौलाई व मुर्शिदी अरहाद सूफी ख्वाजा फखरुद्दीन अली शाह कादरी
अलमारूफ काले पीरा शाह कादरी फेडरी सज्जादा रशीद खान काह कादरिया मुर्तजाइया फखरिया चंगेरी शरीफ जिला हावेरी और आपकी विलादत बासआदत यकुम सितंबर सन 1945 में हुई और आपकी पैदाइश की जगह मोमिनपुरा सेड़म है और आपके वालिद माजिद का इस्म मुबारक हजरत सैयद औलिया शाह कादरी और आपके वालिदा माजिदा का नाम हजरत कुलसूम भी है और आपका खानदान माए नाज वली कामिल हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा की औलाद से हैं आप और हजरत सैयद शमसुद्दीन हुसैनी अलमारूफ काले पीरा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बमुकाम मोमिनपुरा सेड़म इस दरगाह शरीफ के मतवल्ली आपके खानदान से हैं सुभान अल्लाह और आपका और आपके वालिद मुहतरम भी इस दरगाह शरीफ के मतवल्ली थे सुभान अल्लाह और आपका नाम मुबारक भी साहब मजार हजरत सैयद शमसुद्दीन हुसैनी अलमारूफ काले पीरा के नाम पर रखा और आपका जो नाम बाद मशहूर हुआ वह आपके मुर्शिद कामिल का अता करदा नाम है सुभान अल्लाह जो हर खास व आम जानती और पहचानती है और आप सरकारी मुलाजमत में होते हुए कर्नाटक के दरमियानी इलाकों में तशरीफ लाए और यहाँ मुलाजमत की और आपको इल्म मारिफत इल्म तसव्वुफ का शौक बचपन से ही था कि इसी दरमियान कलकत्ता शरीफ के माए नाज बुजुर्ग हजरत सैयद बादशाह कादरी यमनी सरकार से आपकी मुलाकात हुई और आपने इल्म मारिफत इल्म तसव्वुफ हुजूर यमनी सरकार से हासिल किया मगर खिलाफत आपसे न मिली हुजूर यमनी सरकार ने फरमाया कि खिलाफत की नियामत उज़्मा हमसे नहीं बल्कि ये नियामत उज़्मा किसी और से आता होगी आपकी इशाद करदा फरमान के मुताबिक इस दौर के मायनास सूफी हजरत सैयद मुर्तजा शाह हसनी हुसैनी औलाद गौसे आजम उस्मानाबाद से आपको खिलते खिलाफत आता हो फिर हुक्म मुर्शिद से सन 2000 ईस्वी में खानकाह आलिया का आपने बुनियाद रखा और आज दरख्शा फूल बनकर खुशबू बिखेरता हुआ लोगों को खुदा का कुर्ब और मोहब्बत रसूल की सौगात फराहम कर रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और आपके हजारों मुरीदैन हैं जिसमें उलमा हुफाज मौलवी कुर्रा आपके हलकाए इरादत में शामिल हैं और आप बेशुमार बंदगान खुदा को इल्म इरफान इल्म मारिफत से आपने सराह फरमाया सुभान अल्लाह और अब तक दर्स तदरीस जारी व सारी है तो खानकाही निजाम सूफी तहजीब व तमद्दुन और उनके दीनी खिदमात खुद एक मिसाल है सुभान अल्लाह इन्हीं तमाम खिदमात को मद्देनजर रखते हुए 2020 का मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड ग्लोबल सूफी फोरम की जानिब से खानकाह फखरिया गौसिया की सेहन में सरकार हुजूर सैयदी मुर्शिदी सूफी ख्वाजा फखुद्दीन अली शाह कादरी की बारगाह में पेश किया जाने वाला है सुभान अल्लाह तो आपकी जिंदगी ये थी तो मैं अपनी बात इसी जगह खत्म कर रहा हूँ वमा अलैना इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम अरे तकबीर हम जो टाइम न लिहिड़ता रहे ननक ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೌಲವಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಿದ್ದೆ ಮೌಲಾನ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೇ ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೇ ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜ್ ಶಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ತಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ದಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ
ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರಕಟ ಆದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ, ತೋರಿಸು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಬ್ರೀಷ್, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಏನದೆ, ನಿನ್ನ ಹೋಮೆ ಏನದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಳಕಳ್ಳದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರ, ಅವರು ಕೋಣೆಯ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಬ್ರೀಜ್ ಅವರು ಕೋಣೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ ಮೌಲಾನ ರೂಮ್ ಅವರು ಕೂತಾರೆ. ಅವರು ತಾವಾಗ ಏನ ತಮಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದಂತಹ ಈ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ತಾವೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ ಬರೆದಿದ್ದು ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದದರ ಗಾಳಿ ತಗೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಏನು ಮೌಲಾನ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ವ್ಯಗ್ರರಾಗಿ ಏನೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವರು ಫಕೀರರು, ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಂತ ಮಾತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು, ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರ, ಹೌದ. ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಯಂದು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ನದಿಯೊಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ, ಈ ದೊಡ್ಡ ನುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ನುಕ್ಸಾನ. ಹೌದಾ, ಅಡಿ ಹೆಂಗರ ಸೀದ ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಾಗ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಪೂರ ಕಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರೆ ತಗೋಣ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹನಿ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತು, ಏನು ಈಗ ನಾ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು, ಈಗೇನು ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಿಕ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಎಳೆದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಲಾನ ರೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರಮನಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರವೀವಲರಿಯದೆ ನೆರವೀವಲರಿಯದೆ ನರನಾಗಿ ಬಂದು ಹೊರವೀವ ಗುರುವಂಗೆ ಸಮನಾರು ಕೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಿಮ್ಮವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೌಲಾನರು ಅನ್ನುವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಒಂದು 25 ಕೈ ಒಂದು 25 ಕಾಲು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಅವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರು ಮೌಲಾನ ರೂಮ್ನವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗಾಧಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮೌಲಾನ ರೂಮ್ನವರು ಬಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರೂಮಿಯವರು, ಇದೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂತ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸಿ ನೀನು ಅಂತ ಮೊದಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೌಲಾನ ರೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ನದಿಯಿಂದ ಏನ ಕಟ್ಟ ತೆಗೆದು ಇವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಮಸ್ಗಮಿ ಏನದೆ ಅದು ಪರ್ಷಿಯಾದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಏನದೆ ಆ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಾವ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅವರೇ ಆ ಮಸ್ನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರು ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ಮೌಲ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಮೌಲಾನ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಸನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡೋನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತ. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ನಮಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಏನೋ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಸಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಜಗ ಎಂತ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಮೌಲಾನ ಭೂಮಿ ಏನಿದು, ಇದೇನಿದು, ಇದು ಯಾವ ಸೇಂಟ್, ಇದು ಯಾವ ವಾಸನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತತಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಬರಡಾಗಿದ್ದೆ, ಇದು ಬರಡ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 30,000 ಜನ ಬರ್ತಾರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತ ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಂದು ಇದೇನು ಹತ್ತಿರೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ರೋಗದ ಜನ ನಮಗೆ ಏನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ರೋಗನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪಿ ಫೋರಂ ಜನ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪಿ ಫೋರಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೋ ದೇವಾರಾಧನೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಫಿಯವರು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಫಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇದೆ ಈ ಸೂಫಿ ಫೋರಂ. ಇದು ಅದು ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕವಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗು, ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಆಗು, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಎಂತಾದರೂ ಆಗು, ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಂತಾಗು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ದಶ್ನೇ ರಾಸುಲ್ ವರ, ದಶ್ನೇ ರಾಸುಲ್ ವರ, ನಾರೇ ಹೈದರಿ. ಮುಜೆ ಗುನ್ ಸೆ ಕರ್ ದೂ ಖರೀದ್ ಪರ್, ಮುಜೆ ಗುನ್ ಸೆ ಕರ್ ದೂ ಖರೀದ್ ಪರ್, ಮುಜೆ ಅಪ್ನೆ ದರ್ ಕಿ ಗದಾಯಿ ದೋ. ಮುಜೆ ಗುನ್ ಸೆ ಕರ್ ದೂ ಖರೀದ್ ಪರ್, ಮುಜೆ ಅಪ್ನೆ ದರ್ ಕಿ ಗದಾಯಿ ದೋ. ಮುಜೆ ಇಸ್ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಗರಜ್ ನಹೀ, ಮುಜೆ ಇಸ್ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಗರಜ್ ನಹೀ, ಮುಜೆ ಉಸ್ ಜಹಾನ್ ಕಿ ರಸಾಯಿ ದೋ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಫಿ ಫೋರಂ ಔರ್ ಖಾನ್ಕಾಹ ಫಖ್ರಿಯಾ ಗೌಸಿಯಾ ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಬಂದಿ ಮೇ 12ವೀ ಜಶ್ನ ಗೌಸುಲ್ ವರಾ ಕೆ ಇಸ್ ಸುನಹರೆ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಮೌಲಾನಾ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ 2020 ಕ ಪೇಶ್ ಕಿಯಾ ಜಾನೆ ವಾಲಾ ಜೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ. ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಜಲಾ ಅಫ್ರೋಜ್ ಸೂಫಿಯೇ ಬಾಸಫಾ ಸೂಫಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಅಲ್ಮಾರೂಫ್ ಕಾಲೆ ಪೀರಾ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಚಲ್ಗೇರಾ ಉನ್ಕಿ ಬಾರ್ಗಾಹ್ ಬೇಸ್ಕುತ್ ಬಾರ್ಗಾಹ್ ಮೇ ಔರ್ ಸೂಫಿ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಸೂಫಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಗೌಸ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಇನ್ಕಿ ಬಾರ್ಗಾಹ್ ಮೇ ಮೇ ಆದರ ಪ್ರಣಾಮ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಔರ್ ಮಂಚ್ ಪರ್ ಜಲಾ ಅಫ್ರೋಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಫಿ ಫೋರಂ ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲಿ ಜನಾಬ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುಜೀಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸೋಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಾಹಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಮ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹಮಾರೆ ಪ್ಯಾರೇಜಾನ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹಬ್ ಗೋವಾ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆ ಸದರ್ ಅಲಿ ಜನಾಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೈಯದ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರ ಹಮಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಜರಾತ್ ಅಲಿ ಜನಾಬ್ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್
और कन्वीनर आली जनाब सादिक पाशा साहब, और इस मंच के सामने जलवा अफरोज जितने भी हमारे ग्लोबल सूफी फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और रीजनल कमेटी के यहाँ पे मेम्बरान यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे सूफियान इकराम यहाँ पे मंच के सामने तशरीफ है। और मैं सबसे पहले मैं आप उन लोगों का मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त की कमी है और उसके बाद में जगह की कमी भी है, ये वजह से बहुत सारे लोगों को हम चाहते थे कि हम मंच पर रखें, मगर हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें वो ऐसा करने पे मजबूर हुआ है। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दीनी इंसान तो नहीं हूँ, दीन के मामला से हमारा कोई ताल्लुक वैसा तो नहीं रहा, दुनियाई रिवाज के लोग हम हैं, मगर पता नहीं कि हमारी एक लाइन थी, हम जा रहे थे, जब मुलाकात हमारी सूफी बासफा पीर तरीकत ख्वाजा मोहम्मद गौस मुइनुद्दीन अली शाह कादरी से हुई, होने के बाद में कुछ तब्दीलियां हमारे अंदर आई, ऐसा लगा कि दुनिया का रास्ता ही पूरी तरह से उसी में जाना बेहतर नहीं है, साथ साथ दीन का होना भी ज़रूरी है। तो दीन के होने के मामले को लेके सोहबत फकीरों की करना बेहतर लगने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस मामला में अगर देखें आप, तो एक जगह एक शायर कहता है, सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम कहे, सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम कह रहे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दश्ते गौसुल वरा, दश्ते गौसुल वरा, नारे हैदरी। फकीरों की सोहबत में, बुजुर्गान दीन की सोहबत में हमने नसीबों को बदलते देखा है। तो ये जो हमारा सफर है अब तक 15 साल से चलता रहा है, मेरे साथ में मेरे साथी आली जनाब एडवोकेट मुजीब रहमान सोमसागर भी जुड़े हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो दुनियाई मामलात में रहने के बावजूद सूफी हजरत ख्वाजा गौस मुइनुद्दीन शाह कादरी उनके फरमान से, उनके नज़र से और उनके सोहबत में काफ़ी सारी तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहले मैं उर्दू में बात पहली बार कर रहा हूँ, मैं कनाडा में बोलता हूँ अक्सर, तो कुछ खामियां हुई हों, अगर होती हैं तो आप बरए मेहरबानी वहाँ फरमाएं। तो बात रही ग्लोबल सूफी फोरम बनने के बाद में, काफ़ी सारे लोगों ने इस ताल्लुक में भी और बाहर से भी हमें ताने दिए थे बहुत सारे कि आप ये कैसे करेंगे, कहीं पर भी सूफीज़म में काम स्टेबल होके नहीं हो रहा है। तो हमने किया, 4 साल में हमने इसकी तश्कील की, कानूनी तौर पर ग्लोबल सूफी फोरम को बनाया। बनाने के बाद में दिमाग में एक बात रही कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में अगर इंसानियत में कोई तब्दीली हो सकती है, अगर इंसान अल्लाह को मिलने का रास्ता अगर उसे मिल सकता है तो वो सूफीज़म से मिल सकता है। सूफीज़म ही एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह को मिलाने का रास्ता है, अल्लाह से कनेक्शन करने का रास्ता है। उसकी तो तरबियत ऐसे सूफियों के बारगाह में होती है। तो जो इंसान इनके बारगाह में रह गया, जो इनके सोहबत में आ गया, बेशक कोई शक नहीं कि वो अल्लाह को उसकी तजल्ली को देख सकता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे मामलात हुए, ग्लोबल सूफी फोरम 4 साल का अरसा तय करने के बाद में हमने हर साल एक अवार्ड पेश करते हैं, और वो भी अवार्ड जिसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड,
मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक ऐसे शायर, एक ऐसे सूफी जो आज इश्क के मामले में, इश्क मतलब मैं उसका जो कनेक्शन है वो अल्लाह से है। हाँ, दुनिया में शायद ही कोई है हकीकी इश्क, वो अगर है तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। आज पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कल्चर में, आप अमेरिका में जाएं, यूके में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, बैरूनी ममालिकत में जाएं, क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारे अलग अलग मजाहिब हैं, मगर वो सब लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इश्क में अल्लाह की तलाश कर रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे माहौल में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से ये अवार्ड की तश्कील करना ये आसान बात नहीं था। तो हमने अब तक दो मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड्स को पेश किया है और वो सूफी संगीत के दुनिया के बेताज बादशाह चांद अफजल कादरी को पहला हमने मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड पेश किया। दूसरा एक मशहूर कवाल इंटरनेशनल लेवल के हैं, मुंबई से हैं, आली जनाब अजीम नाजा को पिछले साल हमने पेश किया। इस बार हमारे दिमाग में सोच आई कि नहीं, आर्ट में हमने दे दिए हैं तो थोड़ा इसका सेक्शन चेंज करते हैं, पहलू को चेंज करते हैं। तो सूफी कल्चर में इस अवार्ड को देने के बारे में हमारे मीटिंग में चर्चा हुई। होने के बाद में बहुत बड़ी बात है कि किसी सूफी को तलाश करना उतना आसान बात नहीं है। मुर्शिद तो बहुत हैं, मुर्शिद एक कामिल होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्शिद एक कामिल की तलाश करना वो आसान बात नहीं थी हमारे लिए। हमने कई मरतबा इस बारे में चर्चा किया, इस बारे में डिबेट किए, हर एक सूफी का हमने सवाने हयात पढ़ा, हर एक सूफी के बारे में जो नज़दीक के हमारे हैं उनके बारे में सोच विचार किया। तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, किसी ना किसी मरहले से, किसी ना किसी एक आफत से जुड़े हुए नजर आए हमें। तो मामला कैसे हुए कि हीरा हमारे पास है, तलाश हम कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जब नजर हमारी सूफी बासफा अलहाज सूफी सैयद फखरुद्दीन अली शाह कादरी अलमारूफ काले पीरा शाह कादरी की तरफ गई तो उसमें विचार करना, सोचना कोई बात नहीं रही। तो हमने झट से तय कर लिया और हुजूर की बारगाह में हमने हमारी अर्ज पेश की कि हम ऐसा करने वाले हैं, करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हमने ऐलान कर लिया और आज बहुत खुश नसीबी है हमारी कि ऐसे मामलात होते हैं, चंद लोग ये अवार्ड से उनका नाम जगता है। आज मैं सच बात बोल रहा हूं यार, जो हम अवार्ड पेश करने जा रहे हैं आज, इस अवार्ड की कीमत बढ़ गई। सरकार फिर सैयद फखरुद्दीन अली शाह कादरी के सामने इस अवार्ड की कीमत बढ़ गई तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका और अच्छा मौका है, हमारे खानखा के लिए भी, हमारे ग्लोबल सिटी फोरम के लिए भी, क्योंकि उन्होंने इस हमारे एजाज को कबूल किया। ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी बात है। मैं उनका तहे दिल से इस मामले में ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से, खानकाह मफरिया गौसिया की तरफ से, तमाम मुरीदों की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे जलवा अफरोज हैं उन सब की तरफ से मैं सूफी बासफा का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात आई इसके बाद में जब अनाउंसमेंट हुआ अवार्ड का, पूछने लगे कि क्या है उनकी एजुकेशन, क्या है, कहाँ पे तालीम की, ये सब चीजें।
फकीरों में सब नहीं हुआ करता, सूफियों में नहीं हुआ हुआ करता। तो मैं उनको जवाब दिया, ये उलगते नहीं, ये उलगते नहीं बेकार किताबों के औरा, ये उलगते नहीं बेकार किताबों के औरा, ये वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। इससे ज्यादा ये उलगते नहीं, ये उलगते नहीं बेकार किताबों के औरा, ये उलगते नहीं बेकार किताबों के औरा, ये वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। और दूसरी शख्सियत का मैं यहां पे पहचान कराना बहुत जरूरी समझता हूं। इस्लाम में सूफीज्म है, सूफी एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है जो दुनिया में चलती आ रही है, और एक हिंदू मजहब है हिंदुस्तान में, उसमें भी ये फिलोसॉफिकल लाइन चली हुई है। जो सूफी आध्यात्म जो है उसमें भी है। तो यहां पे जो जलवा अफरोज है फकीरप्पा होतना नहीं, ये पाए के सियासतदार रहे, अब सियासतदार नहीं है वो। अगर हो सकता तो 20 साल पहले यहाँ के एमएलए हो गए होते हो, उतनी बड़ी उनकी यहाँ पे ताकत थी सियासी तौर पे। कम्युनिस्ट के बहुत बड़े लीडर रहे वो, इंटरनेशनल लेवल के डिबेट्स में हिस्सा लिया, उनकी एक आवाज पे हानगल तालुक में 10,000 से 15,000 लोग जमा करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एमएलए बनाया, खुद नहीं बने। मेरे वाली साहब के अच्छे दोस्त भी रहे हो, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, मुझे भी वो बहुत सारे कामों में डायरेक्शंस देते हैं, मैं उनका डायरेक्शंस देते चलता हूं। राधा स्वामी सत्संग एक ऐसा सत्संग है, एक आध्यात्मिक सूत्र है, एक आध्यात्मिक जगह है। जिस तरह से इस्लाम में सूफीज्म है, उसी तरह से सूफीज्म के साथ साथ चलने वाला अगर कोई रास्ता हिंदुस्तान में है, अगर वो कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो राधा स्वामी सत्संग है। राधा स्वामी सत्संग के साथ जुड़े हुए इंसान वो हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को सर्व किया। हमने सोचा कि ऐसे सूफी इकराम को हम ये किताब से, ये अवार्ड से नवाज रहे हैं, तो किसी सियासतदान से देना हमें सही नहीं लगा। अगर हम चाहते तो यहाँ पे हुकूमत के वजीर को भी बुला सकते थे, यहाँ के एमएलए को भी बुला सकते थे, एमपी को भी बुला सकते थे, मगर साहब, हमारे साहब ने इजाज़त नहीं दी। सियासतदान यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कम से कम वो अवार्ड देने वाले की उनकी हैसियत भी होनी चाहिए उस तरह की। तो इस सिलसिले में राधा स्वामी सत्संग के जो हमारे प्रमुख हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जो काम कर रहे हैं अली जनाब फकीरप्पा होतनाड़ी, और उनकी उम्र करीब 9 साल है अभी, 88 9 साल के करीब हैं, और सूफियाने कराम के सोहबत में हैं। दुआ होगी ज़रूर उनकी, वो शतक पूरा करेंगे। और दुआ कभी सूफियाने कराम से मैं गुजारिश करता हूँ, उनकी दुआ फरमाएं और उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं, उनकी खिदमत जो है हिंदुस्तान के लिए और इस इलाके के लिए मिलती रहे, और साथ साथ उनका जुड़ाव हमारे खानका के साथ भी रहा है, और हमारे पीर साहब के साथ भी उन्होंने उनके ख्यालात बहुत सारे मुतासिर हुए हैं, तो आना जाना उनका रहता है। तो उस एतबार से भी हमने उनको बुलाना बेहतर समझा, तो उनकी भी यहाँ पे हाजिरी हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, खुशी की बात है। तो मैं ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से मैं उनका यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ, आप सबके तरफ से भी इस्तकबाल करता हूँ। और बात करना तो बहुत है मगर वक्त की कमी है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूँ। उससे पहले हमारी एक आदत है कि हम जो हर साल
मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड पेश करते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी हम सम्मान करने का काम करते हैं, उनको भी इज्जत बख्शने का काम करते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। पिछली दफ़ा हमने डॉक्टरों को बुला के किया, अलग अलग फील्ड में जो काम करते हैं, समाजी सुधारकों को हमने बुला के किया, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को किया, मगर इस बार भी ये कोविड की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमें, क्योंकि बड़े तौर पर हमें प्रोग्राम करना यहाँ पर दुश्वार ना हो सका। इसलिए और हमारे सामने दो शख्सियात यहाँ पे हैं जो सूफीज़म में एक हैं जो काम कर रहे हैं, वो हैं सूफी अली शाह बाबा, जो हमारे सूफी बासफा पीर तरीकत अलहाज सैयद फखरुद्दीन अली शाह कादरी उनके बेटे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि उनको यहां पे सम्मान किया जाए हमारे ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से। और दूसरी शख्सियत है वो है अकी आलूर के अल्लाह बख्श नामदार, जो आपके सामने तशरीफ हैं। ये मामूली शख्सियत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, दश्ते गौसुल वरा, दश्ते गौसुल वरा, सूफी अली शाह कादरी, सूफी अली शाह कादरी, नारे हैदरी। अरे बेटा अड़पा अड़वा साइड से चलो, बात है। हाँ अच्छी बात है।